हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज है 8 सितंबर, अभी अभी जो है नई अपडेट यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय के बाद दोस्तों अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। न्यूज़पेपर के माध्यम से यह अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। आपको बता दें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ नर्स भर्ती 2024। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की तरफ से टोटल जो है 851 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, MLT, OT, CSHD, पैरामेडिकल, इसके अलावा विभिन्न पदों पर परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर की जो है 665 वैकेंसी है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोजीशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पैरामेडिकल की वैकेंसी है। इसका एग्जाम कब होगा इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आप लोग जो हैं पिछले लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर बहुत सारे यहाँ पे कमेंट करने लगे थे कि सर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एग्ज़ाम कब होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम कब होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिले हो रहा है, आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा, सितंबर लग चुका है। तो जी हाँ, आज है 8 सितंबर, आप सभी लोगों के लिए अपडेट यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। आपको बता दें, सबसे पहले देखिए, आपसे जो है एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल करवाया जाएगा, जैसे 2022 में उन्होंने करवाया था, सेम तरीके से जो है ये लोग एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल करवाएंगे। क्योंकि जब इन्होंने फॉर्म भरवाया था, फॉर्म भरते वक्त जो है आपसे एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस नहीं मांगा था, इसलिए अभी जो है एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करवाएंगे। इसके बाद एग्ज़ाम होगा और इसके बाद आप लोगों का, दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो फिर आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग होगा। अभी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस हो जो है फिल करवाया जाएगा। तो उससे पहले चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी थी, कितने कितने पोजीशन पर वैकेंसी निकाली गई थी और इसकी जो है भर्ती कब आई थी और कब ऑनलाइन शुरू हुआ था। इसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस जो है इसका लिंक एक्टिवेट कब होगा, एग्ज़ाम आप लोगों का कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और ज्वाइनिंग जो है आप लोगों को कब तक मिल जाएगी। A to Z सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बात करूंगा एग्जाम सिटी प्रेफरेंस के बारे में, क्योंकि यही अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए वैकेंसी डिटेल्स एक बार कुछ सेकंड के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जाना है गूगल पर, आपको सर्च करना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जैसे आप लोग सर्च करोगे, यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट न्यूज, इस पे आप लोग क्लिक करके एग्ज़ाम डेट की नोटिस या फिर सिलेबस की नोटिस और भी कोई अन्य वैकेंसी की नोटिस मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन विज्ञापन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट पेज है। दोस्तों, इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आ सकते हो। अभी जो मेरे पास अपडेट आई है, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही मुझे अपडेट यहाँ पे मिली है, 100% कन्फर्म नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अभी जो है अगर मुझे अपडेट जो मिली है न्यूज़पेपर के माध्यम से और सूत्रों के हवाले से मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग नीचे आओगे तो आपको रिक्रूटमेंट करियर पेज पर ही आना है, और इस पेज पर जब आप लोग आओगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको जस्ट यहाँ पर नीचे आना है और देखोगे नॉन टीचिंग पोस्ट टेक्निकल ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके अलावा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो है नॉन टीचिंग यहाँ पे पोस्ट पर वैकेंसी है, इसे भी आप लोग चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है 665 वैकेंसी है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी, आप लोग नीचे देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है 665 वैकेंसी है। लेवल 7 के तहत यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। इसके बाद ऊपर देखोगे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो है नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, इसकी जो है पोस्ट यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड, इसकी मैं पोस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको विज्ञापन जो है मिल जाएगी, ग्रुप सी की है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ग्रुप बी का मैंने बता दिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको जो है नर्सिंग ऑफिसर दिखा दी है पोजीशन, और यहाँ पे देखिए टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन डाइटिशियन ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्निकल असिस्टेंट ENT टेक्नीशियन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी जूनियर OT जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल
और MLT ये जो वैकेंसी है इसका भी जो है फॉर्म भरवाया गया है। इसके बाद जो है ग्रुप सी का हम लोग देख लेते हैं, तो ग्रुप सी का भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आपको बता दें जूनियर MLT OT असिस्टेंट OT एरिया के लिए, OT असिस्टेंट ICU के लिए और OT असिस्टेंट इंटरवेंशनल एरिया के लिए और टेक्निकल डायलिसिस के लिए, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड, CSHD असिस्टेंट, इन सभी पोजीशन के लिए और वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड के लिए जो है आप लोगों का जो फॉर्म है भरवाया गया था। यानी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वेरियस पोजीशन पर, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर से के साथ साथ पैरामेडिकल की भी जो है फॉर्म यहाँ पे भरवाया गया था। और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को जो है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल करना होगा। यह बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पे नई अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, याद रखिए अभी अपडेट मिल चुकी है। सबसे पहले एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे भरवाया जाएगा। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस जो है 10 अक्टूबर से पहले यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। यानी 10 अक्टूबर से पहले आप लोगों से जो है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल करवा लिया जाएगा। एग्जाम आप लोगों का सितंबर में नहीं होगा, डिले होगा। अभी जो है डिले होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे अभी आपको फिल करवाया जाएगा। जब आपने फॉर्म भरा था, एग्जाम सेंटर आपने चूज नहीं किया था, इसलिए तो आप लोग 10 अक्टूबर से पहले जो है 10 अक्टूबर से पहले आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी और आपका जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और लगभग लगभग 2 से 3 दिनों के लिए ही आप लोगों का लिंक एक्टिवेट होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जैसे आप लोगों का लिंक एक्टिवेट होगा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। इसके साथ ही आपको मेल भी किया जाएगा। तो 10 अक्टूबर से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल कर देंगे। और जैसे एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल कर देंगे, उसके एक हफ्ते के अंदर एग्जाम डेट आ जाएगा और 15 दिनों के अंदर आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। यानी एग्जाम आप लोगों का अक्टूबर में होने वाला है, लास्ट अक्टूबर तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो 10 अक्टूबर से पहले एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आपसे फिल करवाया जाएगा और इसके बाद 20 अक्टूबर के बाद आपका एग्जाम होगा। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 से 3 अपडेट थी जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है नर्सिंग ऑफिसर का जो है अभी पहले एग्ज़ाम हो सकता है, सभी का एक साथ एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बिल्कुल नोट कर लो। नर्सिंग ऑफिसर का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा और नर्सिंग ऑफिसर के लिए सबसे पहले एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल करवाया जाएगा और नर्सिंग ऑफिसर का भी एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, याद रखिए। बाकी जो पैरामेडिकल की वैकेंसी है, जैसे टेक्नीशियंस की है, डायलिसिस की है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, उसका एग्ज़ाम डिले होगा। अब कितना डिले होगा, ये बहुत डिले होगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने के 95% चांसेज हैं। लेकिन एग्जाम सिटी प्रेफरेंस की अपडेट आ चुकी है, 10 अक्टूबर से पहले सबसे पहले एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करवाया जाएगा। धन्यवाद।